जनाब जी, इस वक्त जो है बना रही हूँ मीठी टिक्कियाँ, और ये 2 कप मैदा, ये हमने 2 कप मैदा लिया भर के, और 1 कप जो है ये पिसी हुई चीनी ली है, ये गई हाफ कप, इसमें गया ऑयल, ऑयल नहीं है सॉरी, ये घी है, ये गया। अच्छा जी, अब इसमें जा रहा है तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा कम नारियल का चूरा, ये गया, ये सब चीज़ें चली गई। अब हम इनको जो है मिक्स करेंगे, सर टाइट किस्म का गूंदेंगे, और इसके साथ ही इसमें अब जाएगा इलायची पाउडर तकरीबन 1 से कम टीस्पून है। अच्छा जी, पहले तो मैं इसको, इन सब चीज़ों को ऐसे ही मिक्स करूँगी। अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें, फिर हल्का हल्का पानी डाल के आप इसको सब किस्म का जो है गूंद लें। ये देखें ऐसे मिक्स कराएगा, और ये इस तरह, अभी पानी वगैरह नहीं डाला हैगा, और मिक्स कर कर के इसको ऐसे ही मुठिया बन रहेगी। बस अब इसको हल्का हल्का पानी डाल के गूंदना आएगा, बहुत ही हल्का हल्का पानी डालें और गूंदते जाएं। मैंने ये इसको जो है बेल लिया था हल्का सा, उस पर ऑयल लगा के ताकि ये चिपके नहीं, और बेलने के बाद कटर से जो है मैंने इसको काट लिया है, और उधर जो है तवे के ऊपर मैंने ऑयल डाला है, और उसको डीप फ्राई नहीं करूँगी मैं, हल्की आंच पे शैलो फ्राई करूँगी। तो ये आपने उठाया और ये आपने हल्के से डाल दिया, इसी तरह जो है मैं ये सारी कट कट कर के इनको मैं फ्राई करती चली जाऊंगी। जी जनाब, तो ये मीठी टिक्किया बिल्कुल रेडी है, और आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी। पसंद आए थम्स अप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रेसिपी पर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।